14 अरब साल पहले बिग बैंग से हमारे पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। पर एक महान साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग की माने तो बिग बैंग से सिर्फ हमारा अकेला ब्रह्मांड ही तैयार नहीं हुआ, उसके साथ ही इन्फिनाइट यूनिवर्स मतलब अनंत ब्रह्मांड भी तैयार हुए। अनंत ब्रह्मांड के अपने गैलेक्सी भी है, स्टार्स भी है, ब्लैक होल्स भी है, कुछ प्लैनेट्स पर तो विकसित सभ्यता भी हो सकती है। आज हम इसी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे जिससे भौतिक शास्त्रियों को उलझन में डाल रखा है। हम देखेंगे श्रोडिंगर कैट नाम का फेमस एक्सपेरिमेंट जिससे साबित होता है कि हम कभी मरते नहीं। ये स्ट्रिंग्स क्या होती है और कैसे ये हमारे पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, इसके साथ ही हम एंटी मैटर के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहे। जरा सोचिए, अगर ऐसी पृथ्वी जहाँ मानव सभ्यता उल्का के गिरने की वजह से नष्ट हो गई, या ऐसी पृथ्वी की कल्पना करें जो ब्रह्मांड में कई अलग थलग पड़ी हो, या ऐसी पृथ्वी जहाँ डायनासोर का ही राज हो, मनुष्य का जन्म ही नहीं हुआ। आपको बता दूं कि ये सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती, जो भी चीज आप सोच रहे हो वो असलियत में हो रही है, इस ब्रह्मांड में नहीं पर इसके जैसे दिखने वाले दूसरे ब्रह्मांड में। यू एवरेट, इन्होंने अपनी थ्योरी लोगों के सामने रखी जो क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित थी। उन्होंने बताया कि दुनिया में होने वाली हर घटना अपने आप में एक नए पैरेलल यूनिवर्स को तैयार करती है। अपनी जिंदगी में लिया हुआ हर फैसला दूसरे ब्रह्मांड को तैयार करता है जिसमें शायद आपने कोई विपरीत फैसला लिया हो। अभी आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो पर किसी दूसरे यूनिवर्स में आपने वीडियो ही ना देखी हो, या किसी और यूनिवर्स में मैंने वीडियो ही ना बनाया हो। इस चीज को श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। ये काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है। बिल्ली को एक बॉक्स में डाल दे, वहाँ एक ऐसी चीज रखे जो बिल्ली को मार डालेगी, पर उसके चांस 50-50 है, बिल्ली मर भी सकती है या नहीं भी। अगर बॉक्स खोलने पर बिल्ली जिंदा बची तो वो 50% चांस कहाँ है जब बिल्ली उसमें मरी हो। इसका मतलब बिल्ली एक ही वक्त पर जिंदा भी है और मरी भी, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में हमें उसकी बस एक ही संभावना दिखाई देती है। मल्टी यूनिवर्स आतिशबाजी की तरह होती है, हर संभावना एक नए ब्रह्मांड को तैयार करती है, पर इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या हो अगर हमारी दूसरी दुनिया वैसी ना हो जैसे हमने कल्पना की है? इस चीज को शुरुआत से समझने के लिए हमें स्ट्रिंग थ्योरी को समझना पड़ेगा। ये चीज मल्टी यूनिवर्स को भी प्रूफ करती है। एग्जाम्पल लेते हैं डायमंड का। डायमंड बना है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बने हैं एटम से, एटम बने हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, ये तीनों बने हैं कॉर्क से। और स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये कॉर्क्स एनर्जी के उस तार से बने हैं जो हमेशा वाइब्रेट करते हैं। ये स्ट्रिंग इतनी छोटी होती है कि इसकी तुलना हम हमारे सौर मंडल से करें तो अगर एटम हमारा सौर मंडल है तो स्ट्रिंग एक पेड़ जितनी दिखाई देगी। इस गिटार को देखिए, जैसे हर स्ट्रिंग वाइब्रेट होने से अलग साउंड निकलता है, वैसे ही एक एटम की प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड होती है जैसे उसके अंदर की स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट हो रही हो। इसी तरह भौतिकी के सारे नियम तैयार होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटी और लाइट। ये चीज इतनी अजीब है कि हमारे ब्रह्मांड को बदलने के लिए अनंत संभावनाओं को तैयार करती है। लियोनार्ड सुकिंड, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है, उनकी माने तो हमारे पृथ्वी के जीवन के इतने प्रकार हो सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो, और ये स्ट्रिंग थ्योरी से भी साबित होता है। हमारा ब्रह्मांड स्ट्रिंग से क्यों और कैसे बना, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पर साइंटिस्ट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। कौन सी है वो चीज? वो है एंटी मैटर। कॉस्मोलॉजी साइंटिस्ट की माने तो हमारा ब्रह्मांड दो भागों से बना है, एक मैटर और दूसरा एंटी मैटर। हमारे आसपास जो भी चीज दिखाई देती है उसे हम मैटर कहते हैं, पर एंटी मैटर कहाँ है, हम उसे देख क्यों नहीं पाते? बिग बैंग के बाद जब हमारा ब्रह्मांड बना तब एंटी मैटर कहाँ चला गया? कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने इस पहेली को समझने के लिए मिरर यूनिवर्स की एक थ्योरी बनाई। इस थ्योरी की माने तो हमारा यूनिवर्स हमारे पैरेलल यूनिवर्स का बिल्कुल मिरर इमेज जैसा है। जब बिग बैंग से हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई तब एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल समान दिखने वाले ब्रह्मांडों की रचना एक साथ एक ही वक्त पर हुई। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वहाँ टाइम सीधा चलता है, पर इसके विपरीत दूसरे ब्रह्मांड में टाइम उल्टा चलता है, वो भी एक ही वक्त पर। सब क्रियाएं उल्टी होती है। उदाहरण लीजिए ग्रेविटी का। हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटी हमें नीचे खींचती है, पर पैरेलल यूनिवर्स में ग्रेविटी हमें ऊपर ढकेलती है।
ये थ्योरी हमारे लिए कोई नई थ्योरी नहीं है। भारत के पौराणिक ग्रंथ पैरेलल यूनिवर्स के संदर्भ से भरे हुए हैं। भारत के साथ ग्रीक सभ्यता के लोग भी अनंत ब्रह्मांड की कल्पना पर यकीन करते थे। अभी तक हम इसे प्रैक्टिकली साबित नहीं कर पाए, बस मैथमेटिकली उसे समझने की कोशिश की है। अगर हम इसे प्रैक्टिकली साबित करने में कामयाब हो गए तो फिजिक्स की दुनिया पूरी तरह से हिल जाएगी। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो किसी आदमी को बदलकर सुपर ह्यूमन बना देते हैं, या उसे किसी जानवर से भी बदतर बना सकते हैं? और दुनिया में ऐसी भी ड्रग्स है जो हमें दूसरी दुनिया में पहुंचा सकती है। अगर जानना चाहते हो तो देखिए हमारा ये वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। पर उस नए वीडियो को देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।